नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज। दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बड़ा होकर आगे पहुँचे, कुछ करके दिखाए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा स्कूल उन्हें ज़रूर मिले जिसमें उन्हें बेहतर जो है पढ़ाई मिले, बेहतर इन्वायरमेंट मिले। और आज हम पहुँचे हुए हैं RS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल में, जहाँ पर आपको बता दें आज बच्चों के रिजल्ट्स भी जो है आप देख सकते हैं, फिलहाल रिजल्ट्स भी बच्चों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ नया भी आपको आज हम बताएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है उनके साथ कोलैबोरेशन किस तरह से करके आपका जो बच्चा है एक बेहतर और भी, यानी दसवीं के बाद भी, टेंथ के बाद भी जो है किस तरीके से और बेहतर कोर्सेज जो है वो पा सकता है। लेकिन उससे पहले स्कूल की क्या कुछ अचीवमेंट्स रही हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आज है बकायदा एक जो एग्जीबिशन है वो लगाया गया है, पूरे साल में बच्चों ने क्या कुछ जो है हासिल किया, कैसे बच्चों ने क्या कुछ एक्टिविटीज़ की, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको वो एग्जीबिशन दिखाते हैं जो पूरे स्कूल की साल भर में जो अचीवमेंट्स रही हैं, और पिछले सन 1995 से जब से RS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक क्या कुछ जो है एक्टिविटीज़ हुई हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एग्जीबिशन का जो सबसे पहला हिस्सा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो पिछले काफ़ी समय में पहले वो बच्चे आज के समय में काफ़ी ज़्यादा नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। कोई बच्चा IAS है तो कोई बच्चा जो है किसी अच्छे विभाग के अंदर जो है वो ज़रूर सेटल हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर मैम से लेने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या कुछ अचीवमेंट्स जो है इन बच्चों ने हासिल किए हैं थोड़ा? I'm Anshul Sharma and it's an honor for me to showcase these achievers. I have been working over here for the last 17 years and I have seen many achievers who got many higher positions in various fields in the society and we can say all over the India. Our students are there and out of India also. Varun now, he is a scientist in ISRO, and Mohit got first position in AIR NCA. Paras Sachdeva is now in AIMS, and many sports achievers are also there, like first, second, third position. Every year we hum celebrate karte hain meritive, jiske andar hum apne academic scholars ko highlight karte hain aur unko honor kiya jata hai. Sports achievers ko to hum cash prizes bhi dete hain, hamari management jo hai wo cash prizes bhi deti hai. Aur aapko main bata dun ki जो टूर्नामेंट्स भी यहाँ पर किए जाते हैं, आप ये ट्रॉफीज़ देख सकते हैं, ये स्कूल के बच्चों ने जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, अनदर टूर्नामेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के, उनमें ये बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं ट्रॉफीज़ जो हैं वो जीती हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्कूल में रहती हैं। इसके आगे एक और एग्जीबिशन लगा हुआ है, पेंटिंग एग्जीबिशन, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सर, माय सेल्फ मिस्टर मनोज एज ए फाइन आर्ट टीचर फ्रॉम RS पब्लिक स्कूल। जी सर, हमारे यहाँ बच्चों को शुरू से ही लेकर के आर्ट से जुड़ी हर चीज़ छोटी से बड़ी इंक्वायरीज दी जाती हैं, और कोई भी चाहे आर्ट में हो या क्ले मॉडलिंग में हो, रंगोली में हो, हर बच फील्ड में हमारा बच्चा जो है वो टॉपर रहता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बच्चों ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो पेंटिंग्स हैं आप देख सकते हैं, ये स्केच तैयार किए गए हैं, और ये स्केच जो है बनाने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो बच्चों को काफ़ी अच्छी जो ड्राइंग की ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जाती है। और पीछे ये जो सेशन हमने आपको दिखाया है ये पूरा जो आर्ट्स का सेशन है, लेकिन साइंस में बच्चे कितने तेज़ हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सीधा चलते हैं साइंस एग्जीबिशन की तरफ। दोस्तों, इस समय हम जो साइंस एग्जीबिशन है वो आप देख रहे हैं, हम वहाँ पर आए हैं। इसके अंदर बच्चों ने काफ़ी कुछ बनाया है जो कि हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए बच्चों ने साइंस में किस तरीके से काफ़ी जो चीज़ें हैं प्यारी प्यारी उन्होंने बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, उससे पहले जो उनके टीचर हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में वो डिस्क्राइब करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने बनाया हुआ है। अगर हम बच्चों से ही बात कर लें तो एक बार हम बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? माय नेम इज़ माया। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वर्किंग मॉडल है। जी। जैसे जब बारिश होती है तभी यहाँ पे जाता है, तो ये ना स्टोर होता रहता है। जब भी हमें किसी यूज़ के लिए इसको यूज़ करना हो, जैसे प्लांट्स में वाटरिंग करना, हम उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ये होगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये रेन वाटर हार्वेस्ट इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, और इससे क्या होगा कि जो पानी है यानी बारिश का पानी जो है उसे हम सेव करके उसे यूज़ कर सकते हैं। यस।
तो बारिश के पानी को कैसे रीयूज़ किया जा सकता है वो यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जो सर हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चों ने आज यहाँ पर एग्जीबिशन? सर मेरा नाम तरुण शर्मा है और सर यहाँ पर बच्चों ने आज साइंस एग्जीबिशन में हर बच्चा अपने अलग अलग आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी बच्चे ने अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ किया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बच्चे ने एक स्पेस सिस्टम बनाया, हमारा स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट को बनाया गया है यहाँ पर, बड़े ही सुंदर तरीके से बच्चे ने बनाया है। और ये देखिए आप, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर पोल्यूशन, मतलब अलग अलग मॉडल्स के जरिए बच्चों ने जो है अपने आइडियाज़ को साइंस के, मतलब डिफरेंट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया है। तो कुछ और देखते हैं बच्चों ने क्या कुछ बनाया सर, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए जैसे बच्चे ने एक ट्रैक्टर बनाया है, इसको हाइड्रोलिक सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया है। और देखिए किस तरीके से बच्चे इसको लेफ्ट या राइट कैसे मूव करवाया जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए। और ये पूरी तरह से, मतलब बच्चे ने इसके अंदर अपना ही माइंड का यूज़ किया, खुद से ही इसने बिना किसी की हेल्प से अपने आप ही जो है ये पूरा का पूरा ट्रैक्टर जो है बच्चे ने अपने आप बनाया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों ने ट्रैक्टर भी खुद जो है वो तैयार किया। आपने खुद तैयार किया ट्रैक्टर? यस सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं करनाल से ही हूँ। क्या नाम है आपका? दीपांशु। तो आपने इसके लिए कितनी देर प्रैक्टिस करी और कैसे बनाया आपने? सर 1 month अप्रोक्सीमेट। एक महीना आपने? यस सर। तो यहाँ पर लगभग एक महीना जो है इसमें लगा है बच्चे को ये तैयार करने के लिए। तो ऐसी अनदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। और यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि उन बच्चों की जो भी वो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आगे भी जो है और निखर कर सामने आएगी। हालांकि होम साइंस का भी जो एग्जीबिशन है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों होम साइंस का जो एग्जीबिशन लगा हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। बच्चों ने अपने हाथ से देख लीजिए कितनी प्यारी प्यारी जो सीनरीज है वो यहां पर बनाई हुई हैं। मैं आपको सबसे पहले एक एक करके वो दिखाने का जो कोशिश है वो मैं आपको करूंगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ बच्चों ने, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो वर्क है वो किया हुआ है। बच्चे का जो नाम है वो भी उस पे ऊपर ज़रूर लगा हुआ है, तुषार। और यहाँ पर काफ़ी सारी प्यारी प्यारी जो सीनरीज हैं वो आप देख सकते हैं वो बच्चों ने किस तरीके से यहाँ पर लगाई हुई हैं। और यहाँ पर फिलहाल आपको हम दिखाते हैं क्या कुछ बच्चों ने और तैयार किया है। ये देख सकते हैं आप, बच्चों ने बहुत ही प्यारे प्यारे जो पॉट्स हैं, बड़े बड़े जो वास हैं वो तैयार किए हुए हैं बच्चों के। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा बच्चों ने जो मेहनत की है वो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना? उमा कौशिक, होम साइंस डिपार्टमेंट है। प्लस वन और प्लस टू के स्टूडेंट्स हमारे काम करते हैं सर। ये जितना भी है यहाँ इस रूम में सब स्टूडेंट्स ने खुद बनाया है, बिकॉज ये सब, ये इनके सब्जेक्ट का एक पार्ट है। सभी बच्चे होम साइंस के हैं? हाँ, ये सारे बच्चे होम साइंस के हैं और ये हमारे काम करते हैं पूरे साल में अलग अलग पार्ट्स, बिकॉज होम साइंस डिवाइडेड इन 5 parts। फर्स्ट इज़ द फूड एंड न्यूट्रिशन, वो कुकिंग प्रैक्टिकल करते हैं। देन ऑल दिस बेडशीट्स आर रिलेटेड टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, इनका पार्ट है। हाउ वी कैन, टेक्सटाइल भी इसका पार्ट है। हाँ, कैसे फैब्रिक चेक करना है, उस फैब्रिक को जो रॉ निकल रहा है उसे मैं कैसे तैयार करूं कि लोग अट्रैक्ट हों और उसे परचेज करें। इस होम साइंस इन्हें सिखाता है कि हाउ वी कैन अर्न, ये वोकेशनल भी है कि जिससे कि बच्चों को नॉलेज दें। अब ये पेंटिंग्स हैं, ये हमारा होम मैनेजमेंट का पार्ट है। आप घर को, ऑफिस को कैसे डेकोरेट करेंगे, ये पॉट्स वगैरह हैं, ये सारा होम मैनेजमेंट का है। इसके साथ साथ हमने वॉल हैंगिंग्स वगैरह सब लगा रखे हैं, कुछ दिए लगा रखे हैं। तो हम इसके साथ साथ ये सारा कुछ मिला के हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेट हो जाता है। हाउ वी कैन एजुकेट आवर किड्स, दे फील कॉन्फिडेंस एंड वोकेशनल ऑल्सो। तो दोस्तों अभी जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलियन जो बोर्ड है उसके बारे में हमने बात की थी, तो सीधा जो एमडी हैं रवि विर्क जी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलियन वीज़ा में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसमें आपके बच्चों के लिए क्या कुछ सुनहरा अवसर है, किस तरीके से वो अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं? तो दोस्तों हमारे साथ मिस्टर रवि विर्क हैं, स्कूल के एमडी, जिनसे हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है उसमें आपके बच्चों का भविष्य किस तरीके से और आगे निखर सकता है बात की कोशिश करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आरएस पब्लिक स्कूल में बच्चों का रिजल्ट भी है, काफी अच्छा एग्जीबिशन लगाया गया है यहाँ पे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जो है यानी कि अब 10th के बच्चे जो हैं आगे जाके और क्या कुछ कर सकते हैं इसमें, उसके बारे में सर जानना चाहता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के बारे में नहीं, मैं ओवरऑल 10th के बाद बच्चा क्या क्या कर सकता है हम उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। कई जो यहाँ पे सरकारी नौकरीज
हैं उनके लिए कैसे बच्चा ऑप्ट कर सकता है, कई ऐसी फील्ड्स हैं जिसके बाद कॉम्बिनेशन जो नई एनपी पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जो ऑस्ट्रेलिया का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपस में कलेबरेशन हुआ ट्रेड को लेके एजुकेशन को लेके, उसी विषय के अंदर हमारा आरएस पब्लिक स्कूल फर्स्ट स्कूल इंडिया के अंदर है जिसका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बोर्ड उसके साथ हमारी एफिलिएशन हुई है जी। जिसके अंदर हम उनका एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं, 11th और 12th में बच्चा यहाँ पे एनरोल हो सकता है, लीगल गैप कर सकता है और कैसे जाके सारे कोर्सेज में अपनी एडमिशन ले सकता है और वो कोर्स करने के बाद कोई आयल्स कोई पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और जैसे आयल्स और पीटी की 2 साल के बाद वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। तो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर कैसे कलैबोरेट किया जाए, कौन से स्किल कोर्सेज हैं, हमारे 90% जो ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आपके हाथ में हर एक के हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी 10 मिनट में चेंज होती है वर्ल्ड के अंदर और हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो उनको 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं चेंज होने में। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जो कोर्सेज है जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है इंडस्ट्री रेडी और नॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, बच्चा आज की डेट में आईआईटी करके भी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता, आईआईटी के अंदर भी स्किल कोर्सेज क्यों कराए जाते हैं और कैसे कैसे क्या कॉम्बिनेशन है, क्या मेडिकल के अंदर बंदा मैथ्स ले सकता है कि नहीं ले सकता, क्या वो आर्ट्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, वो सारों का जो कॉम्बिनेशन है और करियर काउंसलिंग है वो सारी हम अवेलेबल कराते हैं और अपने बच्चों को इंडस्ट्री रेडी के लिए तैयार करते हैं जी जी। और यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से हमारी बात हुई है, आज एग्जीबिशन भी यहाँ लगाया गया था, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ पेरेंट्स के भी हम रिव्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे। सर कुछ और बताना चाहेंगे पेरेंट्स को, कुछ और कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए यही है कि आज की डेट में जो हम एजुकेशन है बड़ा कर रहे हैं, हमारे चाहे नर्सरी यूकेजी एलकेजी है वहाँ पे भी हमारी ये अब ऑस्ट्रेलियन जो टीचर्स हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए आने लगे हैं, इट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम कलैबोरेट कर रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से मेरे को भी इनविटेशन है ऑस्ट्रेलिया के जी। सो मैं जून के अंदर हम वहाँ पे भी जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया हमारा इस बार टूर भी जा रहा है स्कूल की तरफ से, जिसमें हमारे जो टीचर्स हैं कई टीचर्स उन्हीं की ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, उन्हीं की कॉस्ट पे जा रहे हैं साथ में। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि हमारे 12th के बाद भी हम ऐसे पाथवे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जो रेजिडेंसी की तरफ लेके जाते हैं। हमारे यहाँ से 90% हम सोचते हैं बच्चा बाहर चले जाए बाहर चले जाए, बाहर जाके करे क्या, तो हमारा एम है कि उसको गाइड करे रेजिडेंसी कैसे होगी और कैसे वो वाइट कॉलर्ड में या किसी स्किल जॉब में जाए जिसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम एक विशेष सर्कल में फंस जाए खाली बाहर जाने के नाम पे कि बाहर जा रहे हैं। सो ये प्रोग्राम ये आज की डिमांड है, हमारा यहाँ से 90% पूछता जी बच्चा क्या करेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इंटरनल भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम कोर्सेज ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा इतना पैसा जो है इंडिया का वो बाहर की तरफ जा रहा है, रादर देन कि हम यहीं से उसका स्किल का पहले तैयारी करें और उसको ऐसा सेट करें बच्चों को कि वहाँ जाके सीधा डॉलर्स में एक्सचेंज हो जी जी। ये ना हो कि पहले वहाँ जाके फीसेज इतनी भारी भारी भर रहे हैं हम और इतनी महंगी फीसेस भर के और उसके बाद जाके सेट होता है, तो 90% तो हम उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं। लेट अस मेक आर इंडियन इकोनॉमी ग्रो मोर देन व्हाट वी नीड टू ग्रो अदर्स इकोनॉमी जी जी। और यहाँ पर फिलहाल हम कुछ पेरेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ लेने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। और यहाँ पर बता दें सन 1995 से जो है आरएस पब्लिक स्कूल अपनी जो बच्चों को उनके भविष्य के लिए जो है लगातार प्रयास में लगा हुआ है। कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो दोस्तों कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहेंगे आज बच्चे के रिजल्ट के लिए? जी जी नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश है जी। सर आरएस पब्लिक स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं जी जी, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया इनका, 97 से ऊपर का रिजल्ट है जी। बेटी के रिजल्ट के लिए पहुंचे जी, जी बेटी के रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले बेटी मेरे साथ है जी जी जी, बात कर लेते हैं बेटे क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड में। तो सर क्या कुछ कहेंगे आज, कैसा रिजल्ट रहा और क्या कुछ कहेंगे? देखो रिजल्ट कुल मिला के बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत अच्छा माहौल है,
और एक्टिविटी अदर जो भी है स्कूल की तरफ से सर्विस अच्छी प्रोवाइड की जाती है जी और इसके कारण ही बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया। और क्या कुछ और पेरेंट्स से कहना चाहेंगे, आपका आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लगता है ओवरऑल आपने यहाँ पर बच्चे को? देखो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी तकरीबन 5 से 6 साल से जुड़ा हूँ स्कूल से और पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि आप जुड़िए, अपने बच्चे को स्कूल RS में एडमिशन कराइए, अच्छा स्कूल है और फीस भी काफ़ी ठीक ठाक है जी, कुछ ज़्यादा फीस नहीं है। ज़्यादा फीस नहीं है जी। और यहाँ पर आप सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बच्चों के लिए हर माँ बाप की यही चिंता होती है कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ उसे माहौल अच्छा मिले, स्कूल की फीस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो और साथ ही साथ जो है बच्चे के आने वाले फ्यूचर के लिए भी जो है पहले से कुछ प्लानिंग स्कूल के पास होनी चाहिए ताकि उन्हें पहले से ही जो है उनके पेरेंट्स हैं उन्हें इसके बारे में बताया जा सके कि अब बच्चे का आगे की फील्ड में जो है क्या कुछ जो है किस तरीके से भविष्य जो है वो निखर सकता है। तो वो सारी फिलहाल यहाँ पर हमने आपसे जो रवि वीर जी हैं हमारी उनसे बात हुई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि पता चल सके कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बच्चे जो हैं वो लगातार अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पूरा साल जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की वो भी हमने आपको तस्वीरों में ज़रूर दिखाई है। तो आपसे निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।